Hello all, welcome to Alicia Academy. This is your educator Shreya Jha, and today we are going to continue our series for most expected MCQs for paper 2, that is commerce and management. कॉमर्स एंड मैनेजमेंट दोनों स्टूडेंट्स के लिए जो है दोनों एस्पिरेंट्स के लिए जो है ये सीरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट है. इसमें हम हर एक पार्ट में जो है पीस पीस एमसीक्यूज आपके लिए ला रहे हैं. बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे ही आप एमसीक्यूज प्रैक्टिस करते रहिए. स्टार्ट करते हैं. रूल्स वही रहेंगे, जैसे कि आप कोई क्वेश्चन हमारे साथ आपको रीड करना है, उसके बाद जो है खुद से कोशिश करनी है उसको अटेम्प्ट करने की, और अटेम्प्ट करने के बाद आंसर्स मैच करना है, और अपने कमेंट स्कोर्स जो है कमेंट बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा जो है मेंशन करें, तो इससे जो है आपकी प्रैक्टिस और भी अच्छी हो सके. चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से. बैंक डिपॉजिट रिफर्स टू, बैंक डिपॉजिट क्या होता है? द अमाउंट ऑफ मनी स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ अ कस्टमर ऑफ अ बैंक. सेकेंड, द टर्म यूज बाय द फेडरल रिजर्व टू रेफर टू द टोटल डिपॉजिट ऑफ द मेंबर बैंक, या फिर द अमाउंट ऑफ मनी स्टैंडिंग टू द डेबिट एज अ कस्टमर ऑफ अ बैंक, या फिर ऑल ऑफ द अबव. तो इसका आंसर है द अमाउंट ऑफ मनी स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ अ कस्टमर ऑफ अ बैंक. तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये क्रेडिट क्या है या फिर ये डेबिट क्या है. तो जनरली जो कॉमर्स के बच्चे होते हैं उनको तो क्लियरिटी होती है, लेकिन मैनेजमेंट स्ट्रीम के बच्चों को कहीं ना कहीं जो कॉमर्स बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करते उनको क्रेडिट डेबिट समझने में थोड़ी सी तकलीफ रह जाती है. तो इस टर्म्स को, ये बेसिक चीज़ें हैं, इनको क्लियर कर लीजिए. सैलरी हमेशा क्रेडिट होती है, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं. बैंक डिपॉजिट है, यानी कि बैंक में पैसा जमा है. नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर RBI's क्लीन नोट पॉलिसी राइटिंग ऑन अ करेंसी नोट, अगर हम करेंसी नोट पर लिखते हैं तो वो क्या होता है? एन ऑफेंस, अ क्राइम, पनिशेबल ऑफेंस, या फिर द नोट बिकम्स नॉन लीगल टेंडर. नॉन लीगल टेंडर यानी कि उस नोट से जो है हम ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हैं. तो इसका जो आंसर है वो है राइटिंग ऑन अ, एज पर RBI's क्लीन नोट पॉलिसी राइटिंग ऑन अ करेंसी नोट इज पनिशेबल ऑफेंस. नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is the latest buzzword among bankers? इनमें से कौन सा जो है लेटेस्ट बजवर्ड है, लेटेस्ट टर्म है जो ज़्यादा से ज़्यादा यूज किया जा रहा है बाय बैंकर्स? सोशल बैंकिंग, फाइनेंशियल इंक्लूजन, मास बैंकिंग, या फिर नन ऑफ द अबव. सो द आंसर हियर इज फाइनेंशियल इंक्लूजन. फाइनेंशियल इंक्लूजन इज बेसिकली टेकिंग ऑल द पीपल ऑफ ऑल, लेट्स से poor streams to the mainstream and including everyone for a particular thing. So financial inclusion का अगर आपको meaning नहीं clear है तो सबसे पहले इसका meaning clear करें. Social banking क्या होता है, ये सारे terms. तो जैसे जैसे हम MCQs करते जाते हैं वैसे वैसे आप जो भी टर्म्स ऐसे हैं जिनको आपको समझने में थोड़ी सी भी दिक्कत है या थोड़ा सा भी डाउट है तो उसको आप डिफरेंट सोर्सेज से क्लियर कर सकते हैं, तभी ये MCQ सीरीज आपके लिए ज्यादा से ज्यादा फ्रूटफुल रह पाएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन, चलपति राव कमेटी वॉज मेंट फॉर रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये. स्टेट फाइनेंशियल कोऑपरेशन इन इंडिया, कमर्शियल बैंक्स इन इंडिया, कोऑपरेटिव बैंक्स, या फिर रूरल रीजनल रूरल बैंक्स इन इंडिया. सो द आंसर हियर इज चलपति राव कमेटी वॉज मेंट फॉर रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ रीजनल रूरल बैंक्स इन इंडिया. सारी कमिटीज काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मैंने बार बार हर एक वीडियो में ये चीज़ें मेंशन की हैं. कमिटीज़ हो गया, बुक्स हो गए, ऑथर्स हो गए, ऐसी चीज़ें जो है आपको नोट डाउन करके याद ही करना पड़ेगा, बार बार उनको देखना पड़ेगा. एग्ज़ाम के समय लास्ट मिनट रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. तो ये सारी कुछ टिप्स और ट्रिक्स हैं जिसको आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं और अपना JRF पा सकते हैं. आगे बढ़ते हैं. फॉर Foreign banks, priority sector lending is targeted as dash percent of net banking credit. So, ये क्या percentage है priority sector lending के लिए? Foreign banks के लिए है 32%. Next question, interest earned by depositor against a deposit with a commercial bank for custodial services. So, interest earned हो रहा है कोई भी डिपॉजिटर जो डिपॉजिट कर रहा है कमर्शियल बैंक में,
किसके लिए कर रहा है? कस्टोडियल सर्विसेज के लिए कर रहा है। तो ये कैसा इनकम है? फंड बेस्ड इनकम है, फी बेस्ड इनकम है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ फंड बेस्ड और फी बेस्ड, या फिर नन ऑफ दिस। सो द आंसर इज फंड बेस्ड इनकम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ RRB इज, RRB यानी कि रीजनल रूरल बैंक, नाबार्ड, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, या फिर स्पॉन्सर बैंक। सो इसका आंसर है नाबार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज नॉट द सुपरविजरी रिव्यू ऑफ RBI। तो ऐसा कौन सी संस्था है इनमें से जिनका RBI जो है रिव्यू नहीं करती है, सुपरविजन नहीं करती है? फॉरेन कमर्शियल बैंक ऑपरेटिंग इन इंडिया, RRB यानी कि रीजनल रूरल बैंक, इसको हमने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया है, RRBs को, म्यूचुअल फंड, या फिर स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। सो म्यूचुअल फंड जो है इसका आंसर है। म्यूचुअल फंड की सवाल ये उठता है कि म्यूचुअल फंड की रेगुलेटरी अथॉरिटी कौन सी है, ये जो है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेपो रेट एंड द रिवर्स रेपो रेट, काफ़ी फेवरेट क्वेश्चन हो अगर एग्जाम किसी भी बॉडी ने, UGC का ये फेवरेट क्वेश्चन है, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, एक क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में। हम बिल्कुल क्लियर रखें अपने माइंड में, रिस्टोर एज अ टूल ऑफ, ये किसका टूल है? क्रेडिट कंट्रोल का, सेटलमेंट सिस्टम का, करेंसी मैनेजमेंट, या फिर लिक्विडिटी कंट्रोल। तो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट दोनों ही लिक्विडिटी कंट्रोल के टूल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, RBI इंश्योर्स दैट द बैंक ऑपरेट विद इन द सेट नॉर्म्स कंडक्टिंग, थोड़ा ध्यान से देखिए ये क्वेश्चन, डैश इंस्पेक्शन एंड डैश मॉनिटरिंग। तो RBI क्या इंश्योर करता है? कि एक बैंक जो है वो ऑपरेट करना चाहिए विद इन किसके परव्यू के अंतर्गत, द सेट नॉर्म्स कंडक्टिंग ऑन साइट इंस्पेक्शन एंड ऑफ साइट मॉनिटरिंग, फील्ड इंस्पेक्शन एंड ऑन साइट मॉनिटरिंग, ऑन साइट इंस्पेक्शन एंड ऑन साइट मॉनिटरिंग, नन ऑफ द अबव। सो द आंसर हियर इज ऑन साइट इंस्पेक्शन एंड ऑफ साइट मॉनिटरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक वॉज अर्लियर नोन एज इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक, रिजर्व बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, या फिर सिंडिकेट बैंक। सो इसका जो आंसर है वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ही इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू बिग रिफॉर्म्स अनाउंस बाय द फिनेंस मिनिस्टर ऑन 30th August 2019, पंजाब नेशनल बैंक, ओरिएंटल नेशनल बैंक ऑफ कॉमर्स एंड डैश आर टू बी मर्ज टू फॉर्म इंडियाज लार्जेस्ट सेकेंड लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक विद अ बिजनेस ऑफ 17.5 लाख करोड़। तो ये जो है करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ये बिग रिफॉर्म्स बैंकिंग सेक्टर में जो है 30th August को जो है फिनेंस मिनिस्टर द्वारा जो है लागू किए गए हैं, अनाउंस किए गए हैं। ये जो अनाउंसमेंट है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम को भी अभी काफ़ी टाइम है, तो इसमें से आप एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये जितने भी मर्जर्स हुए हैं, जितने भी कंसोलिडेशन हो रहे हैं, इन सारे कंसोलिडेशन की एक जो है लिस्ट आप तैयार रखिए अपने पास। आंसर हियर इज यूनाइटेड बैंक। सो दीज थ्री बैंक्स आर टू बी मर्ज्ड, PNB पंजाब नेशनल बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एंड यूनाइटेड बैंक to form the second largest public sector bank. Next question, according this is the same question, इसी जो reforms जो announce हुए हैं उसी से लिया गया है, तो big reforms of the banking sector we are talking about. According to the big reforms of, announced by the finance minister on 30th August 2019, 10 public sector banks to be merged into dash bank. 10 बैंकों को merge करके कितनी बैंकों को बनाने की बात की गई है? 4, 5, 6 या 7, 10 बैंकों को मर्ज करके 4 बैंक बनाने की बात की गई है। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और हाईली लाइकली है कि ऐसे एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए बैंकिंग यूनिट से, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक हैव बीन अवार्डेड एज वर्ल्ड्स बेस्ट बैंक बाय यूरो मनी रिसेंटली, तो इसको जो है वर्ल्ड्स बेस्ट बैंक बाय यूरो मनी के द्वारा अवार्ड दिया गया है। HSBC बैंक,
स्टैंडर्ड चार्टर बैंक, सिटी बैंक या फिर HDFC बैंक? सो द आंसर हियर इज HDFC बैंक. नेक्स्ट क्वेश्चन, द सक्सेस ऑफ ई बैंकिंग डिपेंड्स ऑन. एक ई बैंकिंग यानी कि इंटरनेट से जो भी हम ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, बैंकिंग कर रहे हैं, उसकी सफलता किस चीज़ों पर निर्भर करती है? मल्टी लेयर सिक्योरिटी सिस्टम होनी चाहिए, रिस्क सर्विलियंस सिस्टम होना चाहिए, अपडेटेड फ्लॉलेस सॉफ्टवेयर होना चाहिए या फिर स्ट्रिंजेंट लीगल फ्रेमवर्क. सो स्ट्रिंजेंट लीगल फ्रेमवर्क क्या जरूरी है सक्सेस के लिए, ई बैंकिंग के लिए? तो द आंसर हियर इज 1, 2 एंड 3. तो ये चीज़ें जरूरी है, जैसे कि मल्टी लेयर जो है आपको सिक्योरिटी सिस्टम होनी चाहिए, रिस्क एंड सर्वेलेंस जरूर होना चाहिए, फ्लॉलेस सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी जो है अपग्रेडेड होनी चाहिए आपकी. बट लास्ट वाला जो ऑप्शन है स्ट्रिंजेंट लीगल फ्रेमवर्क, ये जरूरी नहीं है, इतना जरूरी नहीं है हम कह सकते हैं जितना कि बाकी ऑप्शंस जरूरी है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट पब्लिक बैंक कौन सा था? SBI रूरल बैंक, PNB या फिर बैंक ऑफ वेनिस? सो द आंसर हियर इज बैंक ऑफ वेनिस. नेक्स्ट क्वेश्चन, एट प्रेजेंट मोस्ट ऑफ द इंडियन बैंक्स आर फॉलिंग अंडर. अभी जो वर्तमान में जो बैंकिंग की बिजनेस है, बैंकिंग के जो डिस्पर्शन है वो कैसा है? चेन बैंकिंग सिस्टम है, यूनिट बैंकिंग सिस्टम है, ब्रांच बैंकिंग सिस्टम है? द आंसर हियर इज ब्रांच बैंकिंग सिस्टम के अंतर्गत जो है अभी के वर्तमान के जो बैंक्स हैं वो लाइक करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू द माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस MFIs, एट ये दो स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपको करेक्ट एक स्टेटमेंट को चुनना है या दूसरे को, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो बताना है. तो पहला है, एट प्रेजेंट माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस MFIs ऑब्टेन फाइनेंस फ्रॉम बैंक्स अकॉर्डिंग टू RBI गाइडलाइंस. क्या RBI गाइडलाइंस द्वारा जो है MFI फाइनेंस ऑप्टेन करते हैं या फिर MFIs प्रोवाइड स्मॉल स्केल क्रेडिट टू लो इनकम हाउसहोल्ड एंड स्मॉल बिजनेसेस? तो ये सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, इसका आंसर है केवल दूसरा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है. MFIs प्रोवाइड स्मॉल स्केल क्रेडिट टू लो इनकम हाउसहोल्ड एंड स्मॉल इनफॉर्मल बिजनेसेस. वन क्यों करेक्ट नहीं है? यदि एक MFI अपनी जो गाइडलाइंस है अकॉर्डिंग टू RBI गाइडलाइंस नहीं लेता है, ऑप्टेन फाइनेंस फ्रॉम RBI गाइडलाइंस जो है नहीं करता है, ये क्यों स्टेटमेंट रॉन्ग है ये आपको बताना है. किसके परव्यू में आता है MFI ये आपको जो है कमेंट करके हमें बताना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्टेटमेंट अ बैंकर इज अ पर्सन और कोऑपरेशन विच होल्ड्स इटसेल्फ out to receive from the public deposit people on demand on check. ये जो एक स्टेटमेंट दिया गया है इसको किसने कहा था? फिनले, शीरश, किनले, टीजी हार्ट या फिर वाल्टर लीफ? तो स्टेटमेंट को कहा गया था वाल्टर लीफ द्वारा. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो, with a view to encourage newer classes of entrepreneurs and bringing about wide dispersion of ownership and control of industrial undertakings, IDBI operates a special scheme for supplementing the equity contributions to the project made by small and new entrepreneurs. This scheme is known as. यहाँ पे एक स्कीम की बात की गई है, उस स्कीम का नाम पूछा गया है जो IDBI ऑपरेट करता है, स्पेशल स्कीम फॉर सप्लीमेंटिंग द इक्विटी कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोजेक्ट्स. स्कीम की बात कर रहा है, स्कीम को क्या कहते हैं? टेक्निकल डेवलपमेंट फंड स्कीम, सॉफ्ट लोन स्कीम फॉर मॉडर्नाइजेशन, सीड कैपिटल असिस्टेंस स्कीम या फिर नॉन ऑफ द अबव. सो द आंसर इज सीड कैपिटल असिस्टेंस स्कीम कहा जाता है, स्कीम फॉर सप्लीमेंटिंग द इक्विटी कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट मेड बाय स्मॉल एंड न्यू एंटरप्रेन्योर्स. तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही. वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें. और अब तक कि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें. दैट्स ऑल फॉर द वीडियो. थैंक यू.